उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दुनिया के एक मशहूर शहनाई वादक, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना अद्वितीय योगदान दिया। यही नहीं, संगीत की दुनिया में शहनाई के एक अलग पहचान दिलवाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के दुमराव की वीरंग राउत के गली नामक मोहल्ले में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहारी मुस्लिम परिवार में पैगंबर खान और मित्तन बाई के यहाँ हुआ था। उनके बचपन का नाम था कमरुद्दीन खान। उनके बड़े भाई शमसुद्दीन के नाम से मिला के उनका नाम रखा गया था कमरुद्दीन। उनका परिवार उनके 5 पीढ़ियों से शहनाई वादन का प्रतिवादक रहा है। वहीं उनके पूर्वज बिहार के भोजपुर रजवाड़े में दरबारी संगीतकार भी थे। उनके पिताजी दुमराव के महाराजा केशव प्रसाद सिंह की दरबारी संगीतकार थे। उनके दादाजी रसूल बख्श खान ने उनका नाम बिस्मिल्लाह रखा था, जिसका मतलब होता है अच्छी शुरुआत। 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने पिता पैगंबर खान के साथ बनारस आ गए। संगीत की धुन बालक बिस्मिल्लाह को बचपन से ही थी। वहाँ उन्होंने अपने चाचा अली बख्श बिलायतू से शहनाई बजाना सीखा। बालक बिस्मिल्लाह की जिद पर चाचा अली बख्श खान ने उनको एक छोटी सी शहनाई लाकर भी दी। बालक बिस्मिल्लाह इसी शहनाई पर दिन भर में करता फिरता था। अली बख्श खान बनारसी के प्रख्यात संगीतज्ञ थे। बिस्मिल्लाह खान जब कुछ बड़े हुए तो अली बख्श खान ने अपने भांजे को संगीत की शिक्षा दी। मुस्लिम होने के बावजूद बिस्मिल्लाह काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाया करते थे। उनके चाचा के साथ बालाजी घाट में जाकर शहनाई बजाने का अभ्यास करते थे। इसके अलावा गंगा किनारे बैठकर घंटों तक रियाज भी करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रथम क्षारीय यानी कार्यक्रम 1930 में 14 वर्ष की अल्पायु में अपने मामा अली बख्श के साथ अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन प्रयाग में दिया था। अपनी शहनाई वादन कला में प्रथम प्रदर्शन के दौरान ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बड़ी शोहरत कमाई। इसी तरह 1937 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में शहनाई वादन में उत्कृष्टता के लिए 3 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। इससे खान शाह प्रतिभाशाली संगीतज्ञ के रूप से प्रतिष्ठित तो हो गए और उनके लिए संगीत ही उनका धर्म था। बिस्मिल्लाह खान की बजाई शहनाई की मधुर सर लोरियों ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों, अफगानिस्तान, यूरोप, इराक, ईरान, कनाडा सहित विश्व भर के लगभग सभी देशों में श्रोताओं का मन जीता। बिस्मिल्लाह खान को दिखावा कभी रास ना आया। अपर प्रसिद्धि के बाद भी वो साधारण जीवन पसंद करते थे। साल 1930 महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान ने 14 साल की छोटी सी उम्र में पहली बार इलाहाबाद के संगीत परिषद में शहनाई बजाने का कार्यक्रम किया था, जिसके बाद बेहद कम समय में उन्होंने अपनी शहनाई बजाने की अलौकिक प्रतिभा को निखारा और सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में अपनी पहचान बनाई। साल 1937 ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में कोलकाता से 3 स्वर्ण पदकों से सम्मानित हुए। साल 1956 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित हुए। 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण और 1980 में पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित हुए। 1992 में ईरान के द्वारा तलर मौसीकी से, वही नहीं साल 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी को संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। बिस्मिल्लाह खान जी ही वो शख्सियत थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में अपनी शहनाई की मधुर धुन के साथ आज़ादी का स्वागत किया था और तब से स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादन एक परंपरा सा बन गया। खान जी ने बजरी, झूला, चैती जैसी प्रतिष्ठित लोक धुनों में बाजे को अपनी कठोर तपस्या के बल पर शहनाई वादन में संवारा।
एवं शास्त्रीय संगीत में शहनाई को संगीत की दुनिया में सम्मानजनक स्थान दिलवाए। एक शहनाई संगीतकार के रूप में बिस्मिल्ला खान मशहूर होने के बाद उत्तर और दक्षिण भारत में नाना प्रकार के फिल्में बनाई गई। उन्नीस सौ 1959 में हिंदी फिल्म गुंजुटी शहनाई पर खान जी ने अपनी शहनाई वादन की भूमिका निभाई। फिल्म की संगीत रचना करी थी वसंत देसाई। 1977 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने कन्नड़ फिल्म सन्नादी आपना में शहनाई वादन किया। 1989 में बंगाली डायरेक्टर गौतम घोष की फिल्म संगे मिल से मुलाकात में बिस्मिल्ला खान का संगीत जीवन के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री। 1998 में उन्होंने सत्यजीत रे के फिल्म जलसा घर में अभिनय किए। इसके अलावा कुछ विशिष्ट लेखक जिन्होंने बिस्मिल्ला खान के जीवन के ऊपर लिखी बायोग्राफी, बिस्मिल्ला खान एंड बेनारस रीता गांगुली, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान मुरली मनोहर श्रीवास्तवा, बिस्मिल्ला खान द माइस्ट्रो फ्रॉम बेनारस जूही सिन्हा की रचना। अभी तक भारत में बिस्मिल्ला खान ही है जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत हुए हैं। वही बिस्मिल्ला खान जो आज हमारे बीच नहीं रहे, 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। बिस्मिल्ला खान आज हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी चमत्कार शहनाई प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रखी है।